टीडीएस के चावल की अवैध तस्करी करने वालों की खबर बनाने के दौरान मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट, सोशल मीडिया पर हुआ वीडियो वायरल। चावल माफिया के द्वारा मीडिया कर्मियों पर झूठा प्रकरण बनाने का बनाया जा रहा है पुलिस पर दबाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईडी न्यूज, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। मामला धार जिले के बाग थाना अंतर्गत बाग का है, जहां पीडीएस की चावल तस्करी को लेकर मीडिया कर्मी खबर बनाने गए। इस दौरान पीडीएफ के चावल की अवैध तस्करी करने वाले माफिया ने मीडिया कर्मियों के मारपीट की, उन पर झूठा आरोप लगाया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वहीं मीडिया कर्मियों का साफ कहना है कि पीडीएस के चावल की तस्करी को लेकर खबर बना रहे थे। खबर को लेकर तस्करी करने वाले व्यापारियों ने मैं अपना आपा खो दिया। मामला उजागर होता देख उन्होंने मीडिया कर्मियों के साथ में मारपीट की और मारपीट करते हुए वह बाग थाने तक ले गए। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाग पुलिस अब इस मामले में जांच कर रही है। हालांकि जिले के समस्त मीडिया कर्मियों की मांग है कि इस मामले में मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ पुलिस जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई करे, अन्यथा पत्रकार संघ इस मामले में धरना प्रदर्शन करेगा। वहीं पीडीएफ के चावल की हेराफेरी करने के मामले में भी पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करे और मामले की तहत तक पहुँच कर इस मामले को उजागर करे। मीडिया कर्मियों के साथ हुई मारपीट को लेकर पूरे मीडिया जगत में भारी आक्रोश है। पत्रकार जगत पुलिस से मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द इस मामले में ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। वहीं इस मामले में व्यापारी खुद बता रहे हैं कि उसके पास 300 क्विंटल चावल है और दाहोद से खरीदा है, जबकि इस इलाके में ना तो चावल या धान की बड़ी मात्रा में खेती होती है और ना ही बड़ी मात्रा में चावल का विक्रय होता है। ऐसे में भारी मात्रा में चावल स्टॉक होना कहीं ना कहीं संदिग्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, सीआईडी न्यूज, धार। क्या नाम आपका? राधेश्याम माहेश्वरी की फर्म है, मेरा नाम पल्लव माहेश्वरी है। अच्छा, ये जो चावल उतर रहे कहाँ से आए? ये मेरा माल है, मैंने इनको दिया था लुनेरा वाला को। अच्छा, इनके यहाँ क्वालिटी खराब आ रही है, फड़ा हुआ माल निकल रहा, तो ये लोग वापस लाए। अच्छा, तो ये नियमों में है क्या? ये नियमों में ऐसा कर सकते क्या? कर सकते ना, क्यों नहीं कर सकते। पार्टी को माल पसंद नहीं आया, माल में खराब हो गया था, गोडाउन में रखा रहा था। तो आप कहिए इसको नियम है तो लिखित में नियम बताओ मुझे, है क्या? मतलब कैसा नियम लिखा हुआ है किस प्रकार? अरे तो व्यापारी ट्रम्प से है ना हमारे, उस पार्टी से माल उसको नहीं जच रहा है तो वो वापस लेके आए। परिवहन इस प्रकार से आप नहीं कर सकते हो? नहीं तो चावल का परिवहन की परिभाषा मेरे को आप ये बताओ कि गवर्नमेंट का माल है, क्या माल है? आप ये दाहोद से नहीं आता है माल बिकने के लिए? मेरे पास इस माल का बिल है, आपको बिल बता देता हूँ। नियमों को प्रतिकूल कर रहे हो तो ठीक है ना, आपको आपको जो उचित लगे। आपके पास? मेरे पास 300 क्विंटल माल पड़ा हुआ है। 300 क्विंटल? हाँ, कहाँ से आया 300 क्विंटल? दाहोद से लाया हूँ, मेरे पास इनवॉइस है, उसका बिल है मेरे पास। ठीक है। कौन है ड्राइवर? कौन लगा रहा हूँ मैं, मेरी गाड़ी को। कहाँ से लाया भैया? कौन लाया चला के इसको? कहाँ से लाया? मनावर से। कहाँ से मनावर से? है लुनेरा। लुनेरा क्या सेठ का नाम क्या है? है क्यों सेठ का नाम क्या है? क्या है इसके अंदर? चावल है। जोर तो बोल। चावल। चावल। सेठ का नाम क्या है? रामू। रामू कहाँ ले जाना है बोला सेठ ने? कहाँ पे? यहीं पे। पिंटू सेठ क्या? क्या भैया बताओ उनमें क्या? क्या क्या है? मालूम नहीं यार। अभी क्या खाली कर रहे हो तुम? हम चावल। चावल खाली कर रहे हैं। हाँ। कितना क्विंटल कर दिया खाली? ये हमारे भाड़े से लेते हैं यार, वो 3 रुपए कटते हैं। तीनों कितने कट्टे खाली करे अभी? अभी तो गिना नहीं इसमें यार। गिने ही नहीं। हाँ, खाली कर, पैसे आपसे तो मालूम पड़ते। कितने कट्टे खाली कर लिए भैया अभी तक? मेरे को नहीं मालूम सर।
किसका गोदाम है भैया? पल्लव अगाल राधेश्याम माहेश्वरी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, देखते रहें CID न्यूज़।